वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है इंडिया के नंबर वन एजुकेशन चैनल वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग नाउ द पार्ट वन एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है गाइस क्लास में। ये क्लास है कंप्यूटर अवेयरनेस की। जैसे कि आपको मालूम है कि आईबीपीएस आरआरबी का प्री का पेपर हो चुका है और अब मुझे तैयारी करना है मेन्स के लिए। ठीक है, अब मुझे तैयारी करना है मेन्स के लिए। तो मैं आप सारे विद्यार्थियों को बता देता हूँ कि मेन्स की तैयारी हो चुकी है स्टार्ट। मैं रोजाना यहाँ पे 11 बजे सेशन लेके आता हूँ और यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या सर सिर्फ एमसीक्यू से नहीं होगा, आपको टॉपिक भी पढ़ना होगा। तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारा टॉपिक इसी प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा है, आप उस टॉपिक को भी देखें, पहला काम तो ये। और साथ ही साथ मैं एक और रिसोर्स बताऊंगा जहाँ पे आपको वो क्लासेस देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। मेरे प्यारे साथियों, अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो गुनाह किया है, सबसे पहले मुझे फॉलो कर लें। ठीक है, सर्च करो विवेक पांडे और मुझे फॉलो करो। इससे क्या होगा कि मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस आती है अनअकैडमी पे, आज रात 8 से 9 के बीच में मेरी फ्री क्लास आती है, तो वो सारी क्लास आप एक्सेस कर पाओगे तभी जब आप मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लेते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप मुझे सर्च कीजिए विवेक पांडे और मुझे फॉलो कर लीजिए। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है, अगर जिंदगी में बैंकर बनना चाहते हो, अगर आप सीरियस हो कि नहीं सर मुझे बैंकिंग क्रैक करना है सर, तो आपको एक सही रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा, आपको एक स्ट्रैटेजी के साथ बढ़ना होगा और इसमें मदद करेगा आपका अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन कोर्स। मेरे प्यारे साथियों, अगर बैंकर बनना चाहते हो तो आपको एक स्ट्रैटेजी जाना होगा, स्ट्रैटेजी बनानी होगी और उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा की फैक्टर प्ले करेगा आपका अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है क्या? तो गाइज, एक स्ट्रक्चर कोर्स होता है जहां पे आपको, अगर आप बैंक का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाती है, ऑल सब्जेक्ट विद टॉप मोस्ट इंडिया एजुकेटर्स। हमारे इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट एजुकेटर है सबकी क्लास आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलती है अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन के माध्यम से जाते हैं। तो ऑल सब्जेक्ट ऑल कोर्सेस ये मिल जाता है आपको। अब बात यह है सर कि इतनी सारी चीजें अगर मिलती है तो इसकी चार्जेस क्या हो सकती है, यानी कि आपकी गुरुदक्षिणा क्या होगी? तो मेरे प्यारे साथी, बहुत ही मिनिमल चार्जेस है। बैंक का एक साल का सब्सक्रिप्शन फी होता है 6,000 रुपए, 6,000 फी है एक साल का। लेकिन वहां पे आप रेफरल कोड लगा देते हो पांडे 11, PANDEY11, पांडे 11 रेफरल कोड लगा देते हो तो वो फी आपका हो जाता है 5,400। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, रेफरल कोड आपको क्या लगाना है? पांडे वर्मा। और बैंक कैटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन लेके एक अच्छा सा डिस्काउंट यहां पे पा सकते हैं, डिस्काउंट आपको मिलता है जब आप इस सब्सक्रिप्शन को ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया एक बार, सारे पॉइंट समझ में आ गया। अगर किसी को कोई क्वेरीज है, कोई सवाल है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछे कि सर मुझे ये समस्या है। अगर कोई भी डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हैं। अब वैसे रात 8 से 9 में हम वहां पे फ्री वाली क्लास में मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए, ये मेरी खुद की जो बैच चल रही है, सुबह 9 बजे बैंकिंग के लिए चल रहा है मेरा बैच, सुबह 9 बजे, और रात 9 बजे चलता है कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए। तो ये मेरी क्लास, ये तो 9:30 बजे है, तो ये मेरी दो क्लासेज जो मेरी खुद की प्लस कोर्सेज चल रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टार्ट करते हैं, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। अ कंप्यूटर मैसेज इज, डू यू रियली वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड फाइल? द यूजर क्लिक यस। एक कंप्यूटर संदेश आपको मिलता है जो आपसे पूछता है क्या आप वास्तव में चयनित फाइल को हटाना चाहते हैं। उपयोगकर्ता हाँ की कुंजी पर क्लिक करता है, ये क्या कहलाएगा? इसे हम लोग प्रोग्राम रिस्पॉन्स कहेंगे, इसे हम लोग यूजर आउटपुट कहेंगे, या इसे हम लोग यूजर रिस्पॉन्स कहेंगे, या फिर प्रोग्राम आउटपुट कहेंगे, क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों? राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इसका सही आंसर आपका है, मैं आपको बता देता हूं। ये रिस्पॉन्स करने का जो सही काम है वो आपका क्या है, उसे कहा जाता है यूजर रिस्पॉन्स कहा जाता है, यूजर रिस्पॉन्स कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे। अब मैं से उम्मीद करता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर देंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो आंसर आपका हो गया यूजर रिस्पॉन्स इज द राइट आंसर, पहला क्लियर है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा सवाल क्या है मेरे प्यारे साथी, दूसरा सवाल ये है, टू ओपन अ डिस्क अ माउस पॉइंटर इज प्लेस ऑन द डिस्क आइकन एंड देन। अगर किसी भी डिस्क को ओपन करना है तो माउस का पॉइंटर वहां पे रखेंगे और हम क्या क्रैक करेंगे, क्या क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। माउस इज ड्रैग पुशिंग द बटन, या फिर माउस इज डबल क्लिक, माउस को डबल क्लिक करेंगे, या फिर माउस इज रोटेटेड अराउंड, या माउस इज क्लिक आफ्टर रोटेटिंग इट, क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों? आपसे सवाल ये बड़ा सटीक पूछा गया है।
mouse is dragged, pushing the button. Mouse is double clicked, mouse is rotated around, या mouse is clicked after rotating it. क्या होगा? तो कमेंट बॉक्स में भी बच्चे आंसर कर सकते हैं, तो बड़ा अच्छा रहेगा अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे. तो मैं आपके आंसर की उम्मीद करता हूं कि आप आंसर करो. जस्ट वेट, थोड़ा सा मैं एक चेंजेस कर देता हूं, थोड़ा सा टाइम आपको यहां पे गलत शो कर रहा है. चलिए, राइट आंसर की आंसर है कि आप अगर यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो आपका राइट आंसर, आप अगर सही आंसर क्या, अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे प्यारे साथियों आंसर आपका होगा, आपको करना होगा डबल क्लिक, तभी आपका आंसर, डबल क्लिक इज द राइट आंसर. चलिए, एक सुमित कुमार केसरी का कहना है, सर मुझे कंप्यूटर आरआरपीयू मेंस के लिए कैसे पढ़ूं, आपके वीडियो को, एग्जाम्स इज ऑन 18th अक्टूबर. बेटा आज 1 अक्टूबर को आपकी आंख खुली है और 18 दिन में मैं क्या करवा दूंगा बताइए, 18 दिन में मैं क्या करवा दूंगा. मेरे जितने भी वीडियोस हैं पड़े हैं, एक बार आप उसको देखिए, जो हो पाएगा उसमें से हो जाएगा. 18 दिन में मैं आपको कैसी मदद करूं, मैं पिछले आज 87th नंबर वीडियो है, यानी 87 दिन से मैं पढ़ा रहा हूं इस चैनल पे. वैसे मैं हमारे जो मेन चैनल है उस पर मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन इस चैनल पे मैं 87 दिन से क्लासेस ले रहा हूं. तो आपको समझना चाहिए कि जो काम मैंने 87 दिनों में किया है वो भी बच्चे हैं, और आप वो 18 दिन में करना चाहते हो, थोड़ा सा आपको तिगुना चौगुना मेहनत करना पड़ेगा. बाकी आपकी मर्जी है, रेगुलर क्लास लीजिए 11 बजे. आप अगर अनएकेडमी के प्लस सब्सक्राइबर हो तो आप मेरी वीडियो जितने भी मैंने प्लस पे ले रखी है 2 बैचेस, वो बैचेस देख लीजिए, आपका यही तरीका हो सकता है. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज टू मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूल, इनमें से कौन सा है जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है, इनमें से कौन सा है जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है, मॉडेम्स, प्रोटोकॉल्स, गेटवे, मल्टीप्लेक्सर या नन ऑफ दिस. क्या होता है, इनमें से कौन सा है जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम इनमें से कौन करता है. तो राइट आंसर आपका है क्या मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आंसर आप करोगे यहां पे, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम इनमें से. देख जाओ, कहीं कुछ आपको फायदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे मालूम है आप नहीं देख पाओगे. ठीक है, राइट आंसर है मॉडेम इज द राइट आंसर. मॉडेम इज द राइट आंसर. मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम होता है. ठीक है, ठीक है, तो राइट आंसर है मॉडेम. नहीं नहीं, मल्टीप्लेक्सर नहीं होगा, मॉडेम होगा. मल्टीप्लेक्सर नहीं होगा, मॉडेम होगा. ठीक है, मल्टीप्लेक्सर होता है अगर मल्टीपल इनपुट है, अगर मल्टीपल इनपुट है. ठीक है, मल्टीपल इनपुट है और इसके बाद एक सिंगल आउटपुट है. मल्टीपल इनपुट है और सिंगल आउटपुट है तो हम उसे मल्टीप्लेक्सर कहते हैं. ठीक है, तो ये इसके बारे में. अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में. आर सच अ डेसिक आइटम विच डू नॉट हैव आइडियल एप्लीकेशन इन द गिवन सिचुएशन, इनमें से कौन सा है जो एक डेसिक आइटम फील्ड है, वो डेटा है, वो क्वेरीज है, प्रॉपर्टीज है या नन ऑफ दीज है. क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, क्या होगा आप यहाँ पे बताइए. राइट आंसर क्या है, तो उसे हम लोग कहते हैं फील्ड कहा जाता है. फील्ड जो होता है, फील्ड होता है जो सच अ डिस्टिंक्ट आइटम विच डू नॉट हैव अ आइडियल इंप्लीमेशन टू द. ठीक है, तो वो आपका फील्ड कहा जाता है. क्या होगा, फील्ड इज द राइट आंसर. अगर कोई क्वेरीज है तो मुझसे पूछ लेना. ठीक है, फील्ड ही है जो सबका अलग अलग, ऐसी अलग अलग वस्तुएं हैं जो निम्न विचारधारा नहीं है जो या दी गई स्थिति है, तो वो आपका क्या है, तो फील्ड उसे कहा जाता है. अगला सवाल क्या है, Which of the following printer as you sure will not use it if your object is print on the multi-carbon form? इनमें से कौन सा है जो multi-carbon form में print नहीं करेगा? इनमें से कौन सा है जो multi-carbon form में print नहीं करेगा? ठीक है, अब multi-carbon form में वो आपका आंसर डेजी व्हील होगा, वो आपका डॉट मैट्रिक्स होगा, लेजर होगा, थिम्बल नहीं होता, थर्मल होता है. ठीक है, इसको मैं सुधार देता हूं, थर्मल होगा या ऑल ऑफ द अबव. सही आंसर की अगर मैं बात करता हूं तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर हमारा होगा बिल्कुल सही जवाब, आंसर होगा लेजर प्रिंटर. लेजर प्रिंटर है
जो आपका श्योर विल नॉट यूज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज टू प्रिंट ऑन मल्टी कार्बन फॉर्म। अगर मुझे मल्टी कार्बन फॉर्म प्रिंट करना है तो मुझे यहां पे, ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन। अ फ्लैट मेटालिक डिस्क दैट कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ परमानेंटली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन रीड ऑप्टिकली इज कॉल्ड अ, एक फ्लैट मेटालिक डिस्क जिसमें बड़ी मात्रा में अस्थायी रूप से संग्रहित जानकारी होती है जिसे वैकल्पिक रूप से पढ़ा जा सकता है, उसे कहा, क्या कहा जाता है? फ्लैट मेटालिक डिस्क, फ्लैट मेटालिक डिस्क होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है जिसे ऑप्टिकली रीड किया जा सकता है, ऑप्टिकली, ठीक है। तो राइट आंसर की अगर बात करो तो यहां पर राइट आंसर आपका सीडी रॉम आपका राइट आंसर होगा। सीडी रॉम है, बिल्कुल सही जवाब। सीडी रॉम जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसका फुल फॉर्म होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, COMPACT, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक, DISC होगा। तो ये है आपका जो फ्लैटेड होता है और जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होता है। राइट आंसर क्या होगा? सीडी रॉम। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है तो मुझे जल्दी से मैसेज बॉक्स में भेजिए कि सर मुझे इसमें देखो होला क्या बोला। मेटेलिक डिस्क है वो मेटल का ही होता है, ठीक है, और कैसा बोला, इंफॉर्मेशन रीड ऑप्टिकली, ऑप्टिकली रीड करता है, तो आंसर आपका सीडी रॉम ही होगा। राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे। विच फंक्शन डिस्प्ले रो डेटा इन ए कॉलम और कॉलम डेटा इन ए रो, इनमें एक पंक्ति या स्तंभ के डेटा में पंक्ति में पंक्ति फंक्शन के किस कार्य को प्रदर्शित करता है, उसे हाइपरलिंक कहते हैं, उसे इंडेक्स कहते हैं, उसे ट्रांसपोज कहते हैं, उसे रोज कहते हैं, क्या कहेंगे उसे राइट आंसर? हाइपरलिंक, इंडेक्स, ट्रांसपोज, रोज, क्या कहेंगे राइट आंसर? सही आंसर मैं आपसे अभिजीत से जानना चाहूंगा, मैं सपना मिश्रा से जानना चाहूंगा, मैं प्राउड तियामी से जानना चाहूंगा, मैं हैरी पॉटर से जानना चाहूंगा, मैं सुमित कुमार से जानना चाहूंगा कि क्या होगा राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके कमेंट को देखूंगा फिर ही मैं आगे बढ़ूंगा, तो सही कहीं ना कहीं एक आपका भी जिज्ञासा बना रहेगा। बिल्कुल सही जवाब अभिजीत, आप आंसर आंसर कर दो बेटा, यहां पे क्या होगा राइट आंसर? उसे क्या कहेंगे? तो मेरे प्यारे से उसे ट्रांसपोज कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? तो उसे ट्रांसपोज कहेंगे। ट्रांसपोज ही वैसा टर्म है जो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में रिप्रेजेंट करता है। ट्रांसपोज इज द राइट आंसर, ठीक है, ये इसका राइट आंसर। क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। फाइल एक्सटेंशन आर यूज इन ऑर्डर टू, फाइल एक्सटेंशन का उपयोग करने के लिए किया जाता है। हैरी पॉटर, आपका आंसर सरासर गलत है, इंडेक्स नहीं होगा बेटा। अब अगला सवाल है, कोई भी अगर फाइल एक्सटेंशन है, काइंड ऑफ ये है आपका DOC, तो ये फाइल एक्सटेंशन कहा जाता है, ठीक है, .doc, और डॉट को पीरियड पढ़ा जाता है, याद रखना कहीं पे ये डॉट को क्या पढ़ा जाता है, तो ये पीरियड पढ़ा जाता है। चलिए, तो ये आपका पीरियड पढ़ा जाता है। तो आपसे ये पूछा गया है कि ये मेरा जो DOC है वो क्या आइडेंटिफाई करता है, नेम द फाइल, इंश्योर द फाइल नेम इज नॉट लॉस्ट, या फिर आइडेंटिफाई द फाइल, या फिर आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, वो क्या बताता है मेरे प्यारे साथियों? ये आप यहां पे आंसर करें तो बहुत अच्छी बात होगी। राइट आंसर क्या है मैं आपसे जानने की पूरी उम्मीद करता हूं। बिल्कुल सही जवाब, आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। ये जो है ये बताता है कि ये एक वर्ड का फाइल है, ये वर्ड फाइल है, ठीक है, तो ये इसका राइट है। अगला क्या है? आप परमानेंट इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर यूजेस व्हेन इट इज टर्न ऑन एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अदर इंस्ट्रक्शन आर कंटेन इन, वो किसमें कंटेन होता है? परमानेंट इंस्ट्रक्शन जो आपको हम लोग बदल नहीं सकते, उसका उपयोग होता है जब कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है,
स्थायी निर्देश जिसे कंप्यूटर चालू होने पर उपयोग किया जाता है, जिसे अन्य द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, वो क्या है? रॉम, रैम, एएलयू, रिम या नन ऑफ दिस। चलिए सबके आंसर बिल्कुल, अंशु राठौर का सबसे पहले आंसर आया और राइट आंसर है आपका रॉम। रॉम ही है, रॉम है, याद रखिएगा, रॉम है जिसमें हमारा परमानेंट इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है, परमानेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टोर होता है, वो क्या है आपका, वो आपका रॉम ही है। ठीक है, वो रॉम है जो आपका परमानेंट इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है। ठीक है, चलिए तो ये सबको समझ में आ गया वो क्या होता है, तो वो मेरा रॉम होता है। अब आता है अगले क्वेश्चन में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन ए टाइपिकली नेटवर्क इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन ए टाइपिकली नेटवर्क, उसे क्या कहा जाए? एक विशिष्ट नेटवर्क जो सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर, उसे क्या कहा जाता है? ये रहा आपके सामने, रैम नहीं होगा अभिजीत, वो रॉम होगा। रॉम में जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है, तो आपका कहना है रैम, तो वो गलत है, वो आंसर सरासर आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, राइट आंसर की अगर मैं बात करता हूं, राइट आंसर हमारा क्या आ जाता है? राइट आंसर हमारा होता है सर्वर इज द राइट आंसर, सर्वर इज द राइट आंसर, ये हमारा सर्वर होगा। सर्वर होता है जो सबसे बिल्कुल नहीं, स्टेशन भी गलत है, वो आपका सर्वर होगा, याद रखिएगा, सर्वर इज द राइट आंसर, सर्वर है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, सर्वर आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका सर्वर होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया इसके बारे में, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच कमांड यूजर एट डॉक्यूमेंट द चेंज इट अपियरेंस, इनमें से कौन सा है जो अपियरेंस को बदलता है, उसे क्या कहा, अगर किसी डॉक्यूमेंट के अपियरेंस को बदला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? चलिए चलिए, बिल्कुल सबका आ रहा है, कोई फॉर्मेट आ रहा है, कोई वर्ड का आ रहा है, कोई एडिट, सब कंफ्यूज हो रहे हैं। राइट आंसर होगा फॉर्मेट। देखो मैं बता देता हूं, अगर लिखा रहे चेंजेस इन अपियरेंस, चेंजेस इन अपियरेंस लिखा रहे अपियरेंस, ठीक है, अपियरेंस लिखा रहे तो उसे हम लोग फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है, और वही अगर लिखा रहे चेंजेस इन डॉक्यूमेंट, चेंजेस इन डॉक्यूमेंट, तो उसे हम लोग एडिट कहते हैं, एडिट करना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा उसको उपस्थिति, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो राइट आंसर आपका फॉर्मेट आपका राइट आंसर हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन दूर हो गया। अब अगला क्वेश्चन, द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्न डेटा इनटू, किसी सॉफ्टवेयर का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, डेटा को किस में बदलना, वेबसाइट में, इंफॉर्मेशन में, प्रोग्राम में, ऑब्जेक्ट्स में, या नन ऑफ दिस में, किस में बदलना। प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू, डेटा को वो किस में परिवर्तित करता है, वेबसाइट, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट्स, या नन ऑफ दिस, किस में वो बदलता है मेरे प्यारे साथियों। राइट आंसर क्या है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू, वो किस में बदलेगा, तो याद रखिएगा डेटा को बदला किस में जाता है, तो डेटा को आपको इंफॉर्मेशन में बदला जाता है, किस में, तो वो मेरा इंफॉर्मेशन में बदला जाता है, इंफॉर्मेशन, बिल्कुल, डेटा आपका इनपुट होता है, डेटा आपका इनपुट होता है और इंफॉर्मेशन आपका आउटपुट होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, आउटपुट होता है, इंफॉर्मेशन को कहा जाता है प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड, मैनेज्ड, तो प्रोसेस, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर और मैनेज फैक्ट एंड फिगर है, फैक्ट एंड फिगर है, तो उसे हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन। और डेटा क्या कहा जाता है, अगर आपका अनप्रोसेस है, अनप्रोसेस है, अनस्ट्रक्चर्ड है, अनमैनेज है, अनमैनेज फैक्ट एंड फिगर है, तो उसे हम लोग कहते हैं डेटा। तो डेटा और इंफॉर्मेशन में ये आपका फर्क है, ठीक है, तो राइट आंसर आपका इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट, कंप्यूटेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म बाय द, कंप्यूटेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म बाय द, ए आर रैम, ए एल यू, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, या नन ऑफ दिस, कंप्यूटेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म बाय, इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वो संगणक है, और तार्किक संचालन किसके द्वारा अंजाम दिया जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्यूटेशनल कहने का मतलब है कि प्लस माइनस ग्रेटर देन, ये हो गया, लॉजिकल मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, एंड और, ये सब आपका हो गया लॉजिकल, नहीं सबका गलत है, वो काम आपका ए एल यू करेगा, यार इतना गलत मत करो टेक पावर, इतना मत गलत करो मेरे भाई, ए एल यू है, नाम क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट इसका नाम होता है ना, अर्थमेटिकल लॉजिकल, अंशु राठौर का सही है, टेक पावर आपका गलत है, आप रेगुलर यहां पे रहा कीजिए, तभी आपकी समस्याओं का निदान होगा, ठीक है, आपकी समस्याओं का समाधान तभी है जब यहां पे आप निरंतर क्लासेस करिएगा, आप यहां पर रेगुलर रहिएगा, तभी आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी, इनमें से कौन सा है जो एक कनेक्टिविटी का एक उदाहरण है, इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क, पावर कॉर्ड, या डेटा, इनमें से कौन सा है जो एक आपका कनेक्टिविटी का उदाहरण है, तो मेरे प्यारे साथी बहुत ही तगड़ा वाला है, चलिए कोई बात नहीं, टेक पावर आप रेगुलर रहो ना बेटा, आपको साथ, देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं तीन तरह जगह पे पढ़ाता हूँ, ठीक है, एक सुबह 9 बजे मैं पेड कोर्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, वहां पे मैंने बैच कंप्लीट कर दिया है और क्वेश्चन की सीरीज वाला बैच भी लगभग अब कंप्लीट में, मैं यहाँ पे 11 से 12 आता हूँ यूट्यूब पे जो फ्री है, और फिर रात 8 से 9 में आता हूँ फिर YouTube पे, अनअकैडमी पे, वो फ्री है, तो ये आपके इतने सारे प्लेटफॉर्म है, आप कहीं भी ज्वाइन कर लो, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर बैंकिंग की तैयारी अगर पूरा करना चाहते हो कि नहीं सर मुझे पूरा बैंकिंग पढ़ना है, तो एक बार सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जरूर जाना, बहुत तगड़ा वाला प्लेटफॉर्म है यार, मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर्ड हूँ इससे, तो थोड़ा सा आप इस प्लेटफॉर्म पे जरूर जाइए, ठीक है, मेरा ये कहना है, बाकी आपकी मर्जी पढ़ना या नहीं पढ़ना। इनमें से कौन सा है जो कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल, राइट आंसर आपका है इंटरनेट, आपका कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल, इंटरनेट, इंटरनेट आपका कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, स्टोरेज दैट रिटेन्स इट्स डेटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ इज रेफर्ड टू, स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद भी अपने डेटा को बनाए रखता है, तो इस रूप को संदर्भित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, वॉलेटाइल स्टोरेज, और नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, सिक्वेंशियल स्टोरेज, डायरेक्ट स्टोरेज, या नन ऑफ दिस, क्या कहा जाएगा, एक ऐसा स्टोरेज जो डेटा अपना रिटेन करता है जब पावर ऑफ भी हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है,
राइट आंसर की अगर मैं बात करता हूं तो उसे हम लोग कहते हैं डेटा रिटेन करेगा, डेटा रिटेन करेगा दैट मींस वो नॉन वॉलेटाइल, यानी कि नहीं यार इतना गड़बड़ क्यों कर रहे हो बेटा, आपको बहुत मेहनत की आवश्यकता है यार, बहुत मेहनत। उसे नॉन वॉलेटाइल कहेंगे, यानी कि वैसा स्टोरेज डेटा को परमानेंट स्टोर करता है, परमानेंट स्टोरेज जो करता है, जैसे कि आपका हार्ड डिस्क, जैसे कि आपका फ्लॉपी डिस्क, जैसे कि आपका सीडी, जैसे कि आपका डीवीडी, ये सब इसमें आ जाता है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। इनमें से कौन सा है जो सिंगल साइट नेटवर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क, इनमें से कौन सा है जो एक सिंगल साइट नेटवर्क, लैंड, डीएसएल, रैम या यूएसबी, सिंगल साइट नेटवर्क इनमें से किसे कहा जाएगा, सिंगल साइट नेटवर्क इनमें से किसे कहा जाएगा, वो आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या है ये मुझे कमेंट करके आप बता दें, सिंगल साइट नेटवर्क इनमें से किसे कहा जाएगा। चलो कोई बात नहीं, सिंगल साइट नेटवर्क किसे कहा जाएगा, स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क, तो वो आपका लैन को कहा जाएगा, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, यही आपका सिंगल साइट नेटवर्क हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड, इनमें से कौन सा इज द इनमें से कौन सा है जो एरर फाइंड करने का सॉफ्टवेयर कोड, इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड, कंपाइलिंग, टेस्टिंग, रनिंग, डिबगिंग या नॉन ऑफ दिस, इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड, इनमें से कौन सा है जो एरर फाइंड करने का, एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर कोड लिखा है, सॉफ्टवेयर कोड कहने का मतलब होता है प्रोग्राम, ठीक है, क्या होगा राइट आंसर। अभिजीत आप स्किल थर्ड की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको ना मेहनत करना होगा एक्स्ट्रा। आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है क्या, आपने प्लस का क्लासेस नहीं लिया है क्या, अगर स्किल थर्ड की आपके पास है तो, आप प्लस के स्टूडेंट हो, अगर प्लस के स्टूडेंट हो तो मेरी क्लासेस जो वहाँ बैचेस चल रही है वहाँ पे पढ़िए, क्योंकि वहाँ पे डिस्कशन होता है, डिस्कशन हम लोग करेंगे आप, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो यूट्यूब पे नहीं हो पाती है वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मेरा तो यही कहना होगा कि आप एक बार वहाँ पे जरूर आइए। वैसे ये देखिए, डिस्क्वालीफाई नहीं करो, क्वालिफाई तो कर जाओगे, लेकिन एक 40 out of 40 के लिए थोड़ा सा आपको और मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपका, डिबगिंग इज द राइट आंसर, डिबगिंग होता है, याद रखिएगा, प्रोग्राम के एरर को, किसी भी प्रोग्राम में अगर कोई एरर आ जाए तो उसे हम लोग बग कहते हैं, ठीक है, प्रोग्राम में एरर आ जाए। बेटा आप ले लो ना, अगर बैंकिंग की तैयारी करते हो तो इतना श्योर क्यों, बैंकिंग की तैयारी करते हो इतना श्योर, बहुत ज्यादा का अमाउंट लगता नहीं है आपको, मात्र 6,000 का फी है, आप वहां पे कोड लगा देते हो पांडे 1 1, तो आपको क्या हो जाता है। मैं बता देता हूं कि लगभग 7 8 साल हो गया मेरा पढ़ाई हुए, उस जमाने में भी ऑफलाइन कोचिंग की जो फी थी वो 7 से 8 हजार रुपया होती थी नॉर्मल्स वाली कोचिंग, उस जमाने में, आज से 7 से 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, आज 2020 चल रहा है, और वहां पे क्या था कि एक कोचिंग में एक ही टीचर है, एक रीजनिंग का है, एक मैथ का है, एक क्वांट का है, यही होता था। कभी कभी किसी फेस्टिवल में, अभी दुर्गा पूजा आ गया ना भाई, अभी दुर्गा पूजा, ये डीपी के ड्यूरेशन में लगभग 2 से 3 महीना ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाई नहीं होती थी, ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी वहां, तो मुझे मालूम है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको एक साथ मल्टीपल एजुकेटर की क्लास मिल रही है, अगर आपके अंदर क्षमता है कि मैं 24 घंटा पढ़ सकता हूँ तो आपको 24 घंटा टीचर पढ़ाने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है, बहुत सारे एजुकेटर हैं, बहुत सारे कोर्सेस हैं, तो यानी कि आपका बहुत मिनिमम चार्जेस में आप एक अच्छा सर्विस पाते हो, ठीक है। आपको क्या लगता है 5,000 रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको इतना रिटर्न जितना हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, बहुत है यार, मेरा मानना है कि ये बहुत है। तो अगर आप जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे हैं जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, तो मैं जरूर एक गाइड करूंगा कि आप वहां पे जाके एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे क्लास जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया यहाँ पे, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे।
वच मेन्यू, व्हाट मेन्यू इज सेलेक्टेड टू कट कॉपी एंड पेस्ट? कट कॉपी और पेस्ट है वो कहाँ होता है? कट कॉपी और पेस्ट जो है वो कहाँ होता है? ये वर्जन 2013 का है अगर मैं देख पा रहा हूँ। चलिए, कट कॉपी पेस्ट है वो कहाँ होता है आपका? फाइल्स में, टूल्स में, स्पेशल में या एडिट में, कहाँ होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, अगर ये जो कट कॉपी पेस्ट है वो मेरा एडिट ऑप्शन में होता है। किस में होता है? एडिट में होता है। ठीक है, एडिट इज द राइट आंसर। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में, आई कैन मेक इट इजियर टू प्ले गेम। इनमें से किसका उपयोग करके हम लोग कोई गेम है वो आसानी से खेल सकते हैं? कोई भी गेम्स है वो आसानी से खेल सकते हैं, इनमें से कौन सा है? नहीं, राइट आंसर आपका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हैरी पॉटर ने वहां पे कुछ और ही आंसर किया है। इस क्वेश्चन में क्या है तो वह आपका राइट आंसर जॉयस्टिक है, जो आपको गेम खेलने में आसान हो। जॉयस्टिक इज द राइट आंसर, जॉयस्टिक इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टू द रीस्टार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड व्हेन कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन। रीस्टार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर जो रीस्टार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? रीस्टार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? रीस्टार्ट को क्या कहते हैं? बिल्कुल सबका गलत है टेक पावर, वो जॉयस्टिक है जो गेम खेलने के लिए इस्तेमाल होता है। रीस्टार्ट करने के लिए क्या उपयोग करते हैं? रीस्टार्ट के लिए हम लोग उपयोग करते हैं आपका वॉर्म बूट का। बिल्कुल बिल्कुल, रीस्टार्ट देखो याद रखना, वॉर्म बूट आपका राइट आंसर है। स्टार्ट अगर हम लोग कर रहे हैं तो स्टार्ट को हम लोग कोल्ड बूट कहते हैं, स्टार्ट को हम लोग कोल्ड बूट कहते हैं, और रीस्टार्ट को हम लोग वॉर्म बूट कहते हैं। ये फर्क है दोनों का। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आज का 2020 सीरीज खत्म। आप फिर है कि रात को 11 बजे हम लोग मिले, कल फिर हम 11 बजे यहां पे आएंगे और रात को 8 से 9 हम अनअकैडमी पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये मेरा प्लेटफॉर्म, सुबह 9 बजे मैं पेड कोर्स देता हूं। तो ये हो गए मेरी क्लासेस के बाद। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का सेशन। बस जाते जाते यही कहूंगा, अगर किसी के दिमाग में ये आया है कि सर मुझे सीरियस रूप में तैयारी करना है, तो गाइस जस्ट गो थ्रू अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। आप करना कुछ नहीं है, बस आपको वहां पे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप ओपन करना है। आप वहां पे जैसे ओपन करते हो लर्निंग ऐप, आपको गोल पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बैंकिंग के बच्चे हैं, तो आपका चूज योर गोल अगर पूछा जाता है, आपका गोल क्या चूज करना है, तो आपको गोल बैंक एग्जाम चूज करना है। जैसे ही बैंक एग्जाम गोल चूज कीजिएगा, उसके बाद आ जाएगा गेट सब्सक्रिप्शन। आपने जैसे गेट सब्सक्रिप्शन पर बटन टिक किया, उसके बाद आ गया ये प्राइस लिस्ट। तो 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 24 बैंकिंग की तैयारी, या मिनिमम 12 महीने या मैक्सिमम 24 महीना। चलिए वेरी गुड, तो 12 महीने या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। 12 महीने की फी है 6,000 रुपया, लेकिन यहाँ पे कोड लगा दिया जाता है पांडे 11, तो वो फी हो जाता है 5,400 रुपया। यानी कि क्या है, 5,400 रुपया खर्च करके आप 1 साल तक बैंकिंग की तैयारी कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रोसेस टू पे करना है। प्रोसेस टू पे करने के बाद आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। और रेफरल कोड याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा रेफरल कोड है, अब पांडे 11, इसी का उपयोग करिएगा। ठीक है, चलिए तो गाइज कैसा लगा सेशन ये मुझे जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास